बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप शॉर्ट्स के लिए कंटेंट ढूंढ रहे हैं कि किस तरह का कंटेंट बनाऊं या किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, या चाहते हैं कि कोई पोइट्री या मोटिवेशनल कोट्स का चैनल बना लें जिसमें अपने शॉर्ट्स अपलोड करें, लेकिन समझ नहीं आता कि मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाएं कैसे? आज आपको मोटिवेशनल शॉर्ट्स बनाने का तरीका बताऊंगी, पूरा कंटेंट बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से आप मोटिवेशनल कोट्स या पोइट्री शॉर्ट्स के जरिए से अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और बना कैसे सकते हैं, यानी कि उसके लिए बैकग्राउंड कैसे लेना है, उसके लिए वॉइस ओवर कैसे करना है, उसके लिए आपने साउंड कैसे लेना है कॉपीराइट फ्री। हर चीज कॉपीराइट फ्री होगी, कोई कॉपीराइट आपको इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा। ये बहुत कम टाइम में आप ये शॉर्ट्स बना सकते हैं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूं, ताकि कम वक्त में आप शॉर्ट्स बनाना सीख जाएं। इसको आप इस्लामिक मोटिवेशनल कॉन्टेंट भी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो जाऊंगी मैं गूगल पे, आपको बिल्कुल स्क्रैच के साथ बनाना सिखाऊंगी, यानी स्टार्टिंग से। हमने गूगल पे लिखना है उर्दू मोटिवेशनल कोट्स, तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस गूगल पे शो हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारी वेबसाइट्स होंगी। एक वेबसाइट मैंने क्लिक कर दी आपके सामने, यहाँ पे आपको डिफरेंट उर्दू में भी और रोमन में भी कोट्स नजर आएंगी जो कि मोटिवेशनल कोट्स हैं। ये सक्सेस के बारे में भी है और काफ़ी सारी और चीज़ों के बारे में है। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलेक्शन मिल जाएगी आपकी कोट्स की, यानी कि इसमें से आप आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी कोट्स चाहिए। तो यहाँ से मैं एक दो कोड्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ जिसे मैं रोमन में भी और उर्दू में भी उठा के कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, यानी कि यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसको मैं जाके नोटपैड में पेस्ट कर लेती हूँ। अगर तो आप चाहें ना तो ये पूरा पेज आप सेव कर सकते हैं, इसको बुकमार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं जाके इसको पेस्ट कर लेती हूँ नोटपैड में। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब जाके दूसरी कोड भी मैं इसी तरीके से रोमन में भी, मैंने यहाँ पे देखी है ना, तो वो रोमन भी यहाँ से हम उठा लेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप कैपकट पे करेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता है कि उर्दू शो नहीं होती, उर्दू टेक्स्ट वगैरह नहीं लिख सकते आप ऐसे, उसके लिए कोई ट्रिक्स वगैरह होती हैं जो करनी होती हैं, तो वो मैं आपको फिर किसी दिन सिखाऊंगी। अगर आप लोग किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में इसको एडिट करते हैं ना, जैसे इनशॉट वगैरह, तो आप वहां पे बहुत आसानी से उर्दू में बना सकते हैं। अब जो यहाँ पे टेक्स्ट हमने कोड सेलेक्ट कर ली है ना, अब उसके हिसाब से हमें चाहिए फ्री कॉपीराइट पिक्चर्स या वीडियोस। उसके लिए मैं आ गई हूँ pixel.com पे। सबसे पहले वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि हमने जो कोड सेलेक्ट करी है अपनी वीडियो बनाने के लिए, उसमें हमारे पास है ना कि चलना फिरने का जिक्र है, यानी अकेले चलना या लोगों के भीड़ में चलना, तो उसके लिए हम यहाँ पे वॉकिंग पीपल लिख के सर्च कर लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके से वीडियोस सामने आ जाएंगी। आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी की वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, मुझे ये अच्छी लगी मैंने डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब इसके अलावा आपने दूसरी जो वीडियो है वो भी लेनी है, तो दूसरी वीडियो किस चीज़ में, उसमें अकेले चलने का जिक्र है, तो आपने कोई ऐसा टाइटल लिखना है जिसमें, यानी कि वॉकिंग अलोन लिख दें, तो वॉकिंग अलोन में आपके पास यहाँ पे अकेले जो चलने वाली जितने भी क्लिप्स होंगे ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखें यहाँ पे मैंने लिखा वॉकिंग अलोन, तो आपको डिफरेंट किस्म की वीडियोज यहाँ पे नजर आ गई है। कोशिश कीजिएगा कि जो कम टाइम की वीडियो हो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपकी स्टोरेज में भी कोई मसला ना हो और आप उसको ईजिली ना वीडियोज को बना सको। तो यहाँ पे देखें मुझे ये मिली है वीडियो, मुझे अच्छी लगी, मैंने ये यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। इसके अलावा अब आपने फोटोज पे जाना है, रॉयल्टी फ्री इमेजेस भी तो चाहिए ना, तो अब यहाँ पे मुझे कुछ माउंटेन्स और स्टोन्स के बारे में मैंने बात की है, उसी हिसाब से हम पिक्चर्स लेंगे, यानी कि माउंटेन्स की ले लेंगे और इसके अलावा थोड़ी बहुत हम जो है वो स्टोन्स की पिक्चर ले लेंगे। तो स्टोन्स की ना मैंने पिक्चर्स के साथ एक वीडियो भी डाउनलोड की है जिसमें कि एक बंदा पत्थर जो है वो समंदर में फेंक रहा है अकेले बैठा हुआ, तो वो वीडियो मुझे काफी अच्छी लगी, वो बिल्कुल इसी के हिसाब से लगी जो मोटिवेशनल कोट्स है, तो उसके हिसाब से मैंने वो वीडियो भी सिलेक्ट कर ली है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी। यहाँ पे देखे अगर मैंने यहाँ पे लिखा स्टोन्स थ्रो, तो यहाँ पे वो वीडियो मेरे पास आ गई। तो चलिए जी, अब इसको भी डाउनलोड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली करना है इनको असेंबल, यानी कि हमने शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो उसके लिए मैं जाऊंगी कैपकट पे। अगर आप चाहें किसी और सॉफ्टवेयर में बनाना तो वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारी स्पेसिफिक जो हमने लेनी है वीडियोस या पिक्चर्स, हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको हमने जाहिर सी बात है शॉर्ट्स में अपलोड करना है ना, तो हमने सबसे पहले इसका रेशो सेलेक्ट करना है। जब हम इसका रेशो सेलेक्ट करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे चाहिए बिल्कुल ऑपोजिट लॉन्ग वीडियोज के ऑपोजिट, यानी कि लॉन्ग वीडियोज में हम 16:9 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम टिकटॉक सेलेक्ट करेंगे जिसमें के ऑपोजिट होता है 9:16, ये जो है ना हमें चाहिए फ्रेम। इसमें हमने इसको थोड़ा सा वीडियो को बड़ा कर देना है, ठीक है, स्ट्रेच कर देना है इसको और इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ऊपर थोड़ी ब्लैंक सी स्पेस आपने छोड़नी है। यहाँ पे हमने लिखना है मोटिवेशनल कोट्स। यहाँ पे देखिए ए बना हुआ है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हम लिखेंगे मोटिवेशनल कोट्स, जिसका हमने ऊपर टाइटल एक तरीके से ना यहाँ पे फॉन्ट टाइटल के तौर पे लगाना है। ये जी हमारी शॉर्ट्स का टाइटल है, मतलब वाजे तौर पे दिखना चाहिए कि ये मोटिवेशनल कोट्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये लिख तो दिया है, इसको हम सेट कर सकते हैं स्टाइल में, हम डिफरेंट फॉन्ट इसके यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी फॉन्ट हमेशा वही रखा करें कि जो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो और बिल्कुल वाजे तौर पर दिखे आपकी ऑडियंस को ना, बेसिकली पढ़ने में आसानी। तो हमने यहाँ पे एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो जो मैं कर रही हूँ सिलेक्ट, तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लूंगी मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कलर चेंज कर सकती हूँ और इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंट कलर कैसे चेंज कर,
सकते हैं, आपको डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस यहाँ पे मिलेंगे, स्टाइल भी, इफेक्ट्स भी, एनिमेशन भी। हमें किसी किस्म की एनिमेशन तो यहाँ पे नहीं चाहिए, हम इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैं ब्लैक ही रखूंगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर देना है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है ना इसको हमने ड्रैग करके बिल्कुल लास्ट तक हम इसको ले आएंगे, पूरी जितनी हमारी वीडियो है। अगर हमारी 10 सेकंड 12 सेकंड की वीडियो है तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि वीडियो शॉर्ट ही होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो 1-2-3 कोट्स मजीद इसमें ऐड करके इसको 1 मिनट की वीडियो बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको एक सिंगल शॉर्ट कोट बनाना सिखा रही हूँ वीडियो। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि शॉर्ट्स जितने छोटे होते हैं ना उतने इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो यहाँ पे देखें ये चीज तो डन हो गई, अब हमें अपने जो बेसिकली कोट है ना, जो मेन चीज है उसको ऐड करना है। हम यहाँ पे आ गए अगेन, और नोट पैड पे आने के बाद जो हमारी जो बेसिक कोट है ना, मोटिवेशनल कोट, उसमें से हम एक लाइन को पिक कर लेंगे, और एक लाइन को हम कॉपी करने के बाद वापस जाते हैं अपने कैपकट पे। यहाँ पे जाने के बाद हम टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं पूरा टेक्स्ट एकदम से ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको मैं थोड़े थोड़े जो है वो टुकड़ों में ऐड करूंगी। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो टेक्स्ट है वो प्रोमिनेंट नजर आए, जब हम मैं बोल रही हूँ इसको वॉइस ओवर करूंगी तो ये मेरा जो टेक्स्ट है ना वो मेरे व्यूवर्स को प्रोमिनेंट नजर आए बाकायदा। तो उसके लिए एक साथ अगर हम टेक्स्ट लिख देंगे ना तो हमारी पिक्चर भी घिचमिच हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी, जिसके अलावा टेक्स्ट भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा जो है ना मैस हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको लेकर आएंगे, यानी कि जो चीज हम जिस वक्त बोल रहे होंगे टेक्स्ट भी उसी वक्त आना चाहिए। यहाँ पे आप टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट, उसका कलर, जो भी आपको यहाँ पे सब दिख गया ना, तो ये पे आप टेक्स्ट पे ऑप्शन पे आके सब कुछ चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है येलो कलर, तो ये क्योंकि प्रोमिनेंट है अच्छा लगता है। अब जो है ना गौर फरमाने वाली बात है वो ये कि अब मेन मुद्दा आया है कि आपने बार बार नया टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने इसी फ्रेम में इसी जगह पे अपने नेक्स्ट जो आपका जुमला होगा ना वो आना चाहिए, उसके लिए आपने इसी को कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। इसका फायदा क्या होगा कि बार बार आपको टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा और आगे पीछे भी नहीं होगा आपका जो भी फॉन्ट चल रहा है, ठीक है। अब आप सिंपली जाएंगे नोट पैड पे और अपना जो नेक्स्ट आपका सेंटेंस है उसको आपने करना है कॉपी, बचने की कोशिश करो तक, ठीक है, करो तक कॉपी कर रही हूँ इसको मैं। कॉपी करने के बाद यहाँ जाऊंगी और उसी को एडिट करके मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूंगी और पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। आपने भी कंटिन्यूसली इसी तरीके से वर्क करना है ताकि जो आपकी जगह है ना आपके सेंटेंस की वो भी चेंज ना हो, आपका फॉन्ट भी चेंज ना हो, आपको ज्यादा मुश्किल पेश ना आए ये काम करने में। बस इस तरीके से आप मजीद आगे अपना टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो अगर मैंने इस तरह से पूरा करा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इतना कर दिया और आपको मैं दिखा देती हूँ अब एंड का। मैंने सिंपल इसी तरीके से कॉपी पेस्ट मैं करती गई हूँ टेक्स्ट को और उसमें अपने जो बाकी के सेंटेंस है उसको एड ऑन करती गई हूँ, ठीक है। तो मेरी ये जो है वो तकरीबन 10 सेकंड की शॉर्ट तैयार हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने इसका सारा टेक्स्ट ऐड कर दिया है बिल्कुल सेम एज इट इज, कॉपी करके पेस्ट करके उसको एडिट कर दिया। अब आप एक चीज नोट करें, यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिप जो है ना वो गलत ले लिया है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। अगर आपसे भी कोई क्लिप गलती से ऐड हो जाता है और आप उसमें सब वॉइस ओवर वगैरह कर चुके हो भी आप इसको सही कर सकते हो, दोबारा से आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने बेसिकली स्टोन्स और माउंटेन का जिक्र है ना, अपने माउंटेन और स्टोन्स की पिक्चर को ऐड कर देना है, ठीक है, सिंपल। पुराना जो क्लिप जो अननेसेसरी था, जो गलती से आ गया था, उसको डिलीट कर देना है। अब आपकी बाकी की बात आती है, जब आप इसको क्रॉप करोगे ना तो आपका जो ये टेक्स्ट है ना ये आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये आगे पीछे हो जाए, तो आपने घबराना नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है टेक्स्ट को सारा आपने पीछे लेके चले जाना है और आगे से जो भी क्लिप आपने क्रॉप करना है, ट्रिम करना है, उसको ट्रिम करने के बाद दोबारा अपना जो टेक्स्ट है ना उसको एडजस्ट कर देना है, दैट्स इट। देखें कितनी आसानी से मैंने उन क्लिप्स को ऐड कर दिया, वो जो अब मेरा अननेसेसरी क्लिप था वीडियो क्लिप उसको डिलीट कर दिया। आपने भी सिंपल ऐसे ही करना है और बाकी अब इसको हमने फ्रेम में एडजस्ट करना है। जो हमारे पहले वाली वीडियो क्लिप जिस तरह से एडजस्ट हुई है बिल्कुल वैसे ही हम अपनी पिक्चर्स को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे और ऊपर जो हमारा मोटिवेशनल कोर्स वाला जो एक टाइटल हमने दिया हुआ है वो ड्रैग कर देंगे और उसको भी हम लास्ट तक ले जाएंगे। जनाब अब बारी आती है सबसे मेन चीज की जो कि है वॉइस ओवर। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा अगर ऐसी वीडियोस बनाते हैं उसमें वॉइस ओवर जरूर कीजिएगा, ठीक है। वॉइस ओवर पे जाके सिंपली आपने यहाँ पे जाना है म्यूजिक पे, वॉइस ओवर का ऑप्शन होगा, वहां से आपने अपनी रिकॉर्ड करनी है वॉइस। अब ये जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की होगी ना सिंपली इसकी आप आवाज कम तेज कर सकते हैं, तेज ही करेंगे ऑब्वियसली सी बात है, कम तो करेंगे नहीं, तो आप तेज भी इसको कर सकते हैं आवाज को, ठीक है। अलावा आप इसकी स्पीड हल्की या तेज जो भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे वॉइस चेंजर का ऑप्शन है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वॉइस चेंज ना करें तो बेस्ट होगा, आप अपनी ही वॉइस रिकॉर्ड करें और उसके साथ आप आवाज को तेज या कम करने के साथ साथ यहाँ पे माइक का ऑप्शन होगा, माइक का ऑप्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी जो वॉइस है वो इनहांस हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, उसमें मसला नहीं होगा, फिर वो अच्छी लगेगी आपकी वॉइस, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसको कर देना है सिंपली ओके, ठीक है। माइक का ऑप्शन जो होता है ना उसकी उससे आपकी आवाज थोड़ी और बेहतर हो जाती है। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात बताती चलूं, वॉइस ओवर जरूरी क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस होती है इसमें आपका फेस शो नहीं होता, यानी कि इसमें आपकी फेस वैल्यू नहीं होती, तो फेस वैल्यू तो ऐड नहीं कर सकते ना, तो लेकिन अपनी वॉइस तो
प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि यूट्यूब को लगे कि हमने ये कॉन्टेंट बनाया, ये हमारा कॉन्टेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इसमें खुदा ना खास्ता कोई मसला ना आए मोनिटाइजेशन के वक्त। तो इसलिए आपने वॉइस ओवर इसमें ज़रूर करना होता है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्ट हो कि आपने वीडियो खुद क्रिएट की है और इसमें आपका बहुत ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि हमने वीडियोज़ या पिक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी किसी वेबसाइट से ली हुई हैं, तो इसलिए हमें वॉइस ओवर करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्लस ये कि सब टाइटल्स भी आपने ज़रूर इसमें ऐड करने होते हैं, जैसे कि लिखना आपने इसमें ज़रूर होता है जो भी आप यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ जो होती हैं ना, फिर उनको फिर मसला नहीं होता मोनेटाइजेशन के वक्त। अब ये जो मैं फाइनल और सबसे आखिरी काम करने जा रही हूँ वो ये कि यहाँ पर आपके जो भी चैनल का नाम है, आपने अपने चैनल का नाम यहाँ पर ज़रूर मैंशन करना है, एक वाटरमार्क की तरह आपने मैंशन करना है, ताकि जो है वो कोई आपका क्लिप उठा भी लेना अगर, तो उसको आप आराम से कॉपीराइट दे सकें अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये आपका अपना बनाया हुआ कंटेंट है, ठीक है। तो इसमें आपने अपने चैनल का नाम मेंशन कर देना है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। टेक्स्ट ऐड करें, उसको ड्रैग कर दें पूरी वीडियो में और बस आपका चैनल का नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसकी उसको ओपेक इसका कम कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये कम थोड़ा शो होगा, बट इस तरीके से आप अपना वाटरमार्क अपने चैनल के नाम का जरूर ऐड कर दीजिएगा। अब सिंपली जाके आपने इसको करना है एक्सपोर्ट। ऊपर देखें साइड में आपको एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर जाके आप डिफरेंट किस्म की जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, रेजोल्यूशन वगैरह। तो जो इसमें 1080 है ना, उसी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसको कर दें सिंपल एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसको जाके शॉर्ट्स पे अपलोड करें। अपलोड करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ये थी, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी, फीडबैक जरूर दीजिएगा।